Ovaj. Odgovor. Shah Nevatullah Wali. Kisi ne suna inke bare mein? Yes. Haan, ek, do. Kaafi Pakistaniyon ko bhi nahi maloom hai yaar. Shah Nevatullah. Pakistan studies mein padhaya jata hai thoda sa. Acha, thoda sa Pakistan studies mein padhaya jata hai. Lekin aam taur par hum jo padhte hain school mein ek din ke baad bhul jate hain na. Right. Lekin sirf school mein ye ek sentence mein nahi padhaya jana chahiye ye logon ko bahut. Maine usko ye naam diya Nostradamus of the East. Maine dekha bhi dusre log bhi unko bhi Nostradamus of the East batane shuru kiya. Nostradamus aap jante hain? Nostradamus यूरोप के पेशगुई करने वाला को उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी कोई 500 साल पहले मुझे भी याद नहीं काफी सदियों पहले कि ये होने वाला है वो होने वाला है ये होने वाला है उन्होंने बहुत चीजों के बारे में बताया और वो हो चुके थे बहुत सारे तो नोस्ट्रोडामस जैसे ने किया ऐसे शाह नेमत अली को 1330 से लेकर 1431 ईस्वी तो अपने किसी दा नाम की किताब में शाह ने मतलब वाले ने बहुत नोस्ट्रोडामस जैसे के मुगल इंडिया में पता पाएंगे और अंग्रेज भी क्रिश्चियन को कहते हैं ईसा के मानने वाले लोग ईसाई वो भी इंडिया पर फलन पाएंगे मतलब ये किताब अभी भी मौजूद है जो 200 साल पहले मुसद्दद 200 साल पहले के मतलब 350 साल पहले लिखा गया था 700 साल पहले लिखा गया था और वो मुसद्दद अभी मौजूद है जो 200 साल पहले लिखा गया अंग्रेजों के आने से पहले और लिखा गया था कि एक सदी तक अंग्रेजों का हुकूमत होगी इंडिया में तो वाइसरॉय जो थे लॉर्ड कर्जन मशहूर वाइसरॉय थे इंडिया का उनको ये पता चल गया कि इस किताब में ऐसे लिखा उस किताब को उन्होंने बैन कर दी क्यों क्योंकि ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ 100 साल तक हमारी हुकूमत यहाँ रहे वो सोच रहे थे उस जमाने में यहाँ इंग्लैंड के पूरी दुनिया में जो ब्रिटिश एम्पायर था वो बढ़ता जा रहा था तो उसको अच्छा नहीं लगा कि सिर्फ 100 साल तक कम ही नहीं तो उसने किताब को बैन कर दिया शायद इसलिए भी लोगों को इस किताब के बारे में मालूम ज्यादा मालूम नहीं उन्होंने सब किताबों को जलाने की कोशिश खत्म करने की कोशिश की थी मिर्जा गुलाम अहमद उसका नाम भी उसमें लिखा गया है उसके बारे में भी बताया गया कि ऐसे आदमी आएगा और गलत इस्लाम फैलाएगा अव्वल और दूसरे जो आलमगीर जंग वर्ल्ड वॉर्स थे उनके भी बताया गया ये तो यहाँ तक बताया कि जीम अलफ से लड़ेगा जीम मतलब जर्मनी अलफ मतलब इंग्लैंड या अमेरिका और ये भी बताया गया है उस किताब में कसीदे में नियामतुल्लाह शाह के इंडिया दो टुकड़े में मुसलमानों को और दूसरे और यहाँ तक भी बताया गया कि 23 साल के बाद वो जो मुसलमान हिस्सा है तो वो मशरकी पाकिस्तान अलग हो जाएगा मगरबी पाकिस्तान का ये साफ लिखा है कि ये डिवाइन पनिशमेंट है ये सजा है जो अल्लाह ताला देगा पाकिस्तान को मानने चाहिए कि हम भी गलतियां करते हैं ना और ये भी बताया गया शायद आप हैरान हो जाएंगे कोई कि बहुत लेकिन आज भी सबको मालूम है बहुत उन्होंने बताया बहुत तकलीफ होगा पाकिस्तान में लेकिन आखिर में मुसलमान इंडिया पर फतह करेंगे इंडिया पर वो कामयाब हो जाएंगे शायद चीन और ईरान या तुर्की के मदद से क्योंकि फ्रॉम द नॉर्थ शुमार से और मगरिब से
उनको मदद मिलेगा और फिर तीसरा आलमी जान हो जाएगा फरिश्ता को अच्छे दिन और फिर दजाल दजाल और हजरत ईसा और अल मेहदी आएंगे मशहूर है सब जानते हैं हदीस के बारे में और फिर पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा और तलवार को रस्ट क्या बोलते हैं रस्ट को उर्दू में जंग 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 तलवारों को जंग लगेगा मतलब तलवारों को छोड़ेंगे और लड़ेंगे नहीं और ये भी लिखा है कि शीप मतलब भेड़ भेड़ और वुल्फ लोमड़ी और हिरन और शेर साथ रहेंगे ये बाइबल में यही बात भी बताया गया है इसाया में वहां बताया गया कि लोग उनके तलवार को हल बना देंगे दे विल बीट देयर स्वॉर्ड्स इनटू प्लाउशेयर्स और यही बात भी बताया गया कि लैम जो है मतलब छोटा बैरा शेर के साथ लेटेगा और फिर आखिर में जब when winter without fruits जब सर्दी का मौसम जिसमें कोई फल नहीं होते हैं जब वो खत्म होता है तो क्या हो जाएगा then spring will come बहार आ जाएगा पाकिस्तान दिल्ली लेकिन एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आप मैंने देखा जब मैंने तीसरा जंग के बारे में हमारे फरिश्ते को ऐसे नहीं हो तो आप खुश हो जाएंगी इस बात क्योंकि नोस्ट्रोडामस ने भी साफ बताया कि साल और महीने भी बताया कि यह जंग कब हो जाएगा साफ लिखा है 1999 सेवंथ मंथ 1999 के सातवें महीने में the reign of terror will come नहीं हुआ था नोस्ट्रोडामस ने गलती की थी नहीं सिर्फ नोस्ट्रोडामस ने बहुत सारे बुजुर्गों ने बताया 99 के बारे में काफी किताबों में लिखा है पेशगोईयां की गई थी कि इस साल में ये हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ मतलब क्या अल्लाह ताला के रहम और करम से हम उस तीसरे आलमी जंग से बच गए क्या हुआ था उस साल में उस महीने में किसी को याद है करगिल में यस और मैंने पढ़ा टाइम मैगजीन के एक आर्टिकल में आया था कि पूरी दुनिया में एटमी जंग के खतरा सबसे ज्यादा था उस महीने में मतलब क्यूबा में 1961 में तकरीबन हुआ था अमेरिका और रूस के क्यूबा के वजह से इतने करीब हुआ था और केनेडी ने क्रुश्चेव को मना किया तुम्हारे मिसाइल को तुम क्यूबा में नहीं डाल सकते हो और तकरीबन लग रहा था लोगों को जंग आठवीं जंग शुरू होने वाला दूसरे भी दो तीन बार ऐसे हुआ लेकिन सबसे नजदीक आया था आलमी क्योंकि अगर पाकिस्तान और इंडिया के भी आठवीं जंग शुरू होता तो वो पूरे दुनिया में फैल जाएगा तो लेकिन हम उससे बच गए अल्लाह का शुक्र पाकिस्तान जिंदाबाद लेकिन जो बाकी लिखा है ये हो जाएगा अमन हर मजहब की किताबों में ये लिखा है वो दौर आएगा जब कलयुग में एक सत्य युग है ना भविष्य पुराण में लिखा है और उसका वक्त भी अभी का टाइम
और पाकिस्तान के बारे में बारी इमाम आप जानते हैं यस लोगों को मालूम है बारी इमाम इस्लामाबाद के करीब में नूरपुर गांव में उनके बहुत नया अभी बन रहा है अभी अच्छा अच्छा मैं भी वहां भी गया था इस्लामाबाद में पहुंचने से पहले मैं जब पहुंचा था वहां जो हमारे दोस्त एक हमसे उनको ले लिया था देव स्टेशन से उन्होंने बोला चले मैंने बोला पहले हम बारी इमाम को जाएंगे और बारी इमाम के रास्ते को जाते हुए मैंने एक मजार को देखा वो क्या है वो बारी इमाम के माँ और बाप के मजार है तो पहले वहां चले मैं बेवकूफ नहीं हूं मैंने सीख लिया कि आप सूफी के जैसे बहादीन ज़करिया के वहां जाने से पहले शाह रुकनुद्दीन के वहां जाना उसूल है तो मुझे मालूम नहीं था लेकिन हाँ ये उसूल है बारी इमाम के पास जाने से पहले उनके माँ बाप के मजार में जाना तो हम वहां गए थे और बारी इमाम ने क्या कहा वो 300 साल पहले रहते थे नूरपुर गांव उस वक्त बस देहात था गांव भी छत नहीं था अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर उधर ही बैठते थे लेकिन उन्होंने बताया आपके इसी इलाके में ऐसे शहर बन जाएगा जो पूरी दुनिया के इस्लामी इन्फ्लुएंस इस्लाम के जो असर होता है उसके मरकज यही बन जाएगा हमारे नूरपुर के इलाके में और इस्लामाबाद उधर ही अभी बना है नाम भी है इस्लामाबाद तो देखेंगे पाकिस्तान में क्या होने वाला है थोड़ा सा आप समझ रहे हैं अभी ये भी मुमताज मुफ्ती के अलाख नगरी किताब में लिखा है कुदरतुल्लो शहाब एम्बेसडर रहे पाकिस्तान के पोलैंड में उनको ये मसद मिल गया था जिसमें बारी इमाम के बारे में ये जिक्र शायद लोग कह सकते हैं ये बस लोग बना रहे हैं ऐसे कहा नहीं मसद मौजूद है